नमस्कार। कश्मीर घाटी में हालात सामान्य होते ही पर्यटकों से गुलजार होने लगी है, जिससे कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की आस एक बार फिर से जाग गई है। भारी तादाद में पर्यटकों ने एक बार फिर से कश्मीर का रुख करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे सभी पर्यटन स्थलों को खोलने की अनुमति पहले से ही दे दी है। डल झील के आसपास के होटल और हाउस बोट सभी फुल चल रहे हैं। पर्यटकों को झील के चारों ओर शिकारा की सवारी करते और सुहावने मौसम का आनंद लेके देखा जा सकता है। डल झील के किनारे शिकारे में सैर करने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लंबी कतारें लगी हुई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पर्यटकों की भारी भीड़ मौजूद है। गुलमर्ग में गंडोला में बैठने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कश्मीर घाटी में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। शालीमार बाग, निशान बाग में सैलानी परंपरागत कश्मीरी वेशभूषा में तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं। कश्मीर में ये बदलाव केवल कश्मीर में पर्यटन उद्योगों को एक बार फिर से पटरी पर लाने की नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी में शांति और सुरक्षा की बहाली का भी गवाह है। इस साल पहली जनवरी से 15 मई तक करीब 7 लाख सैलानी कश्मीर में आ चुके हैं। आलम यह है कि जून के अंत तक लगभग सभी होटल और हाउस बोट बुक है। मई के पहले सप्ताह के दौरान ही कश्मीर में करीब 35,000 पर्यटक आ चुके हैं। कश्मीर घाटी पहुंच रहे पर्यटकों का कहना है कि उन्हें इस सीजन में होटल बुक कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जहां भी वो संपर्क कर रहे हैं वहां की बुकिंग उन्हें फुल बताई जा रही है। हर जगह सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। कई पर्यटकों का कहना है कि अब उन्हें कश्मीर में डर नहीं लगता है। उनका कहना है कि कश्मीर तो खूबसूरत है ही, यहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे हैं। विदेशों से भी बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग का अनुमान है कि इस साल कश्मीर में तकरीबन 12 लाख पर्यटन जुटेंगे, जबकि इसमें अमरनाथ यात्रियों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के दिशा निर्देश में पर्यटन विभाग ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने का जो अभियान चलाया है, ये उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि फिल्म नीति को लागू करने का भी उन्हें फायदा हुआ है। पर्यटन विभाग के निदेशक बताते हैं कि पूरे प्रदेश में 75 नए टूरिस्ट सर्किट शुरू किए गए हैं, जो पर्यटकों को पसंद आ रहे हैं। वहीं कश्मीर में बढ़ते पर्यटन से यहां की अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है। होटल और रेस्टोरेंट के जरिए तकरीबन 2 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं और उनकी भरपूर कमाई भी हो रही है। घाटी में तकरीबन 10,000 टैक्सी और टेम्पो चालक हैं, लेकिन पर्यटकों की ऐसी भीड़ उमड़ी है कि लोगों को समय पर टैक्सी और टेम्पो तक नहीं मिल पा रहे। शाम को हर रोज डल झील के बाद ट्रैफिक जाम लग रहा है, तो वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोजाना 40 से 45 विमान आ रहे हैं और इतनी ही उड़ान जारी है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इस साल अप्रैल में ही पर्यटकों के आगमन का रिकॉर्ड टूट चुका है। घाटी में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं और इस बार एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर यहां काफी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी इन गर्मियों में समय निकालिए और कश्मीर की घाटी में कुछ पल सुकून के बिताइए। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।